संतुष्टि का धन पंडित श्री हरिनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एकमात्र मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वह घर से चल दिए। शाम को वो जब वापिस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से ये साग बनाया है। ये इतना स्वादिष्ट होता है, फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा की काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुक हुए और उनसे वो ही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहनने ना जा सकते, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके, और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक है मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है? और फिर सीमित साधनों में भी संतुष्टि की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए।